लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में इन दिनों बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाली भाजपा आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करा रही है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आने से पार्टी को क्या फायदा होगा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आने से पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं की क्या उपेक्षा होगी, इसको लेकर सूबे के सियासी हलकों में लंबे समय से चर्चा गर्म थी। मध्य प्रदेश आए गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे राज्य से पर्दाफाश कर दिया। ग्वालियर में लोकसभा चुनाव को लेकर क्लस्टर की बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश संगठन को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विहीन बूथ बनाने के फॉर्मूले पर काम करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिए कि कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले पार्टी में शामिल कराएं। इसके साथ ही उन्हें पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को समझाइश देते हुए कहा कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी में लाने से किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने साफ कहा कि सांसद विधायक और बड़े नेताओं को पार्ट में लाने पर नेतृत्व पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ना बल्कि भाजपा को प्रदेश में अजेय पार्टी बनाने के लक्ष्य के साथ काम करना है। भाजपा के चुनावी चाणक्य के बयान से साफ है कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व हाईकमान की हरी झंडी के बाद ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करा रहा था। पिछले दिनों कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में 1,500 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वालों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है जो बूथ स्तर पर पार्टी का चुनावी मैनेजमेंट संभालते थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले इन कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में तगड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।